अस्सलाम वालेकुम, कैसी लगी आप लोगों को क्रैब करी और उसके साथ स्टीम क्रैब मसाला? अच्छी लगी होगी क्योंकि सी फूड लवर्स जो होते हैं ना, उनको सी फूड कैसा भी बना उनको पसंद ही आता है, जैसे हम लोगों को। लेकिन हम लोग बहुत एक्सपर्ट हैं पकाने में और अच्छी अच्छी चीज़ों को पका के खाने में। मैं हाँ, खास करके मेरी बहुत ज़िंदगी गुजरी है कुकिंग करते हुए, अम्मी को, नानी को देखते हुए, मेरी बहन लोग को देखते हुए। और अभी ये दिख रहा होगा आपको, बोलने की तो ज़रूरत है नहीं। माशाल्लाह रमज़ानों में मैं छठी के सालों से नहीं जाती, क्योंकि रमज़ानों में मेरे बच्चे रहते हैं रोज़ा, तो मैं सोचती हूँ कि ये भी एक खिदमत का काम होता है जब बच्चे रोज़ा रहते हैं। और मेरे बच्चे पूरी तरावी पढ़ते, पूरे रोज़े रखते, तो इसीलिए मेरे बच्चों को खिलाने वाला कोई नहीं। तो ये मैं अपनी खिदमत समझ के मेरे सरकार के दर पे नहीं जाती हूँ, मेरे बच्चों की खिदमत करती हूँ। तो अब मैं जा रही हूँ छठी के लिए। और इस ये बार का जो जाना है ना मेरा, मुझे नहीं लगता कि मेरे लाइफ में कभी जो ऐसे जा रही हूँ ना, ऐसे कभी गई हूँ मैं। आपने इतने सालों से मुझे देखा है ना, या तो मेरे हस्बैंड के साथ या तो मेरे बच्चों के साथ, लेकिन इस बार कोई और है मेरे साथ। तो इंशाल्लाह जर्नी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी तो इंशाल्लाह रिवील तो हो ही जाएगा। लेकिन इजाज़त मेरे बच्चों ने और मेरे शौहर ने दोनों ने दी है कि ऐसा भी होना चाहिए। और कुछ खास बातें जो मैं रास्ते में बताऊंगी, जब शायद उनके साथ या फिर उनके पहले जो मेरे साथ जाने वाले। तो इंशाल्लाह अभी चालू है मेरी पैकिंग। और इस बार थोड़ा सा पहनावा भी मेरा चेंज है, क्योंकि आपने देखा होगा मेरी ज़िंदगी में थोड़ी सी चीज़ें चेंज हो गई है, ड्रेस स्टाइल हो या ज्वेलरी की स्टाइल हो या रहने की स्टाइल हो। तो ये उसी हिसाब से मेरी पैकिंग भी आज हो रही है। और ये देखो मम्मी की एक ही रखवाली, वो तो मेरा लगता है ज्वेलरी ना, मेरे जाने के पहले या तो बैग में सो जाएगी, या तो मेरे कपड़ों पे आके सो जाएगी, या तो मेरी ज्वेलरी के पास सोएगी। पर है पक्की मेरी बेटी, सुनती थी कैसा। देखो रात को दिल कर रहा है सेवैया खाने, और मस्त इसको हमने करे घी में फ्राई, हमने मतलब मैंने भाई। और इसमें अब डाल रही हूँ दूध और मस्त गरम गरम सेवई, और सब गरम गरम सोच रही थोड़ा हुक्का भी बना लूँ, है ना। बहुत दिन हो गए, यस है ना, क्या मस्त सेवई। इतना दिल कर रहा था सेवई खाने, मेरा बाप रे अयूब के सामने मेरा बोलना गुना हो गया कि सेवई खाने मेरा मन कर रहा है। तो उनके काले वाले चालू थे सेवई के लिए, तो बना दिए मैंने सेवई। मस्त पनीर में भी है ना। इतना बच्चा है वो भी मेरा बेटा करके रखी हो। और कौन सा बेटा बोले, अली, जिसको सबसे ज्यादा शौक है। और जो नहीं खाता ना, उसने दो कटोरे खा लिया। अमीन ने दो कटोरे खाया, अयूब ने दो कटोरे खाए, और मैंने एक कटोरा ली हूँ, तो भी आधा खा के आधा हुक्के के साथ मजे ले रही हूँ सेवई के। और तीन काम एक साथ कर रही हूँ, यहाँ सेवई खा रही हूँ, यहाँ हुक्का पी रही हूँ, यहाँ पे बारीक बारीक चोटियाँ वाल रही हूँ। बस तेरा मजा आ रहा। नींद नहीं आ रही है तो डोसा खाने को। और पता है कितने बजे, रात के 4 बजे, चीज़ डोसा चटनी। अभी एक ऑर्डर किया मसाला डोसा। अम्मी बेटा जरा मेरे को ये लगा देना फिंगर पे, अभी भी बहुत पेन हो रहा है। मस्त लग रहा है आप बहुत। वो रात को ही मैंने चोटी वाली थी ना, चलिए माशाल्लाह। बस बहुत ज़्यादा खुश रहती हूँ मैं जब मेरे सरकार के दर पे जाती हूँ, क्योंकि आज जो मेरी नाम है, इज्जत है, दौलत है, मेरे बच्चे प्यार करने वाले, सब कुछ मेरे सरकार के दर से ही मिला है मुझे। और वहाँ जाकर जो खुशी और जो माहौल मुझे महसूस होता है ना, वो मैं आपको बयान नहीं कर सकती हूँ। पर जो गरीब नवाज के चाहने वाले ना, वो जानते हैं कि वहाँ जाने के बाद क्या मिलता है हमें और क्या महसूस होता है। अल्हम्दुलिल्लाह बस उन्होंने बुला लिया, यही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मैं भले जाती हूँ, लेकिन पूरा महीना मैं उनसे इल्तिजा करती हूँ कि मुझे बुलाना ज़रूर। तो इंशाल्लाह अभी सुबह ही गया है अयूब, अयूब को बहुत अर्जेंट काम था तो इसीलिए अयूब निकले अपने काम के लिए। और मुझे बोले कि अभी पौला है तो कोई टेंशन नहीं, तो आप जा कर आओ। तो इंशाल्लाह बस निकल रही हूँ मैं, और अमीन आ रहा है छोड़ने के लिए। चाय ठंडा। मम्मी तो चेंज हो गए उधर से इधर में ही। क्यों? नाक में लग पहन लिया ना, और ज्यादा अच्छे लग रहे। नोटिस करा रहा है। वो मेरे को याद आया कि मैंने ये क्या बोलते हैं, अपने गांव की कौन सी ज्वेलरी है ये? कोई मत्तूर।
टेम्पल देखो मेरे को ना इधर से कर रहा और हंस रहा है। टेम्पल ज्वेलरी, टेम्पल तो टेम्पल ज्वेलरी। रिंग भी मैंने आज एकदम बिल्कुल साउथ इंडियन रिंग पहनी हूँ, तो इसलिए फिर याद आया कि ये लिया था मैंने, क्योंकि ये हमेशा मैं लेती हूँ, कहीं दिल करे तो पहनूंगी जरूर। तो ये ड्रेस पे ज्यादा अच्छा लग रहा है और बाल भी मैंने। चलो पीते क्या चाय, बहुत सारी है, करते क्या शेयर, करते क्या, तो व्लॉग देख के कर लेना। खड़े रह के मस्त चाय पिए और घर के पास से ही निकले, याद ही नहीं रहा कि जो कैश का एनवलप है वहीं पे भूल गई हूँ मैं। तो अभी याद आया रास्ते में मुझे, या अल्लाह, तो मैं बोली वापस, तो अमीन बोलता वापस जाओगे? एक तो वैसे ही एयरपोर्ट जाने के रास्ते में इतना ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, तो अमीन मैप देख के कम ट्रैफिक वाले रास्ते से ले जा रहा है। तो बोला रुको, गया है फिर बैंक में, बोलता रुको आपको कैश चाहिए ना, ला के देता हूँ। और देखो आज मैंने कुछ नई रिंग पहनी हूँ, अच्छी लग रही है ना। और मैंने कहा था ना कि अब मैं बिल्कुल सिंपल से चीज़ें ज़्यादा वेयर करने लगी हूँ, एकदम टिपिकल साउथ इंडियन। बाय बाय बाय, टेक केयर। भाई का भी ध्यान रखना, खुद का भी ध्यान रखना, और मेरी पीनू का ध्यान रखना, और सबसे ज्यादा मेरे घर का ध्यान रखना। चलो भाई, अल्लाह हाफिज। और आप अपना ध्यान रखना, मिलते हैं जल्दी वापस। चलो जाओ जाओ, बाय बाय। अभी मेरे बताइए ना, मेरे बेटे के साथ नहीं जा रही हूँ, मेरे हस्बैंड के साथ नहीं जा रही हूँ, तो इंशाल्लाह चलिए फिर किसके साथ जा रही हूँ बताती हूँ आपको। इट्स अ रिवीलिंग टाइम। माशाल्लाह आज पहली बार टाइम से पहले पहुंची हो, और बैग तो अंदर नहीं डालना क्योंकि एक ही बैग है हाथ में। तो इंशाल्लाह अब जाती हूँ और मेरे दोस्त के साथ कुछ नाश्ता करने बैठती हूँ। एक बैग की जगह दो बैग, और मुझे मिला है गिफ्ट, और ब्रेकफास्ट करने के लिए मस्त वाली जगह मैंने चूज़ करी हूँ। ऑर्डर वहाँ पर जा चुका है, तो मेरी फ्रेंड वहाँ पर खड़ी है कलेक्ट करने के लिए, और मैं यहाँ पर आके जैसे सीट अरेंज करना है, कहाँ पे बैठना, वो मैंने जगह चूज़ कर ली हूँ। और एयरपोर्ट माशाल्लाह बहुत इजीली हम आ गए क्योंकि क्राउड बहुत कम है। हमारी डॉक्टर साहिबा बोलते हैं हेल्दी ब्रेकफास्ट है ना, और ये है मेरी फ्रेंड जिनके साथ आई थिंक मैं मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं गई हूँ कोई फ्रेंड के साथ, लेकिन इनके साथ जा रही हूँ मैं गरीब नवाज सरकार, क्योंकि जितना प्यार मैं करती हूँ उतना ही प्यार ये भी करते हैं, है ना? एब्सोल्युटली। तो इंशाल्लाह वहाँ भी हम साथ ही रहेंगे, और अभी ब्रेकफास्ट ये कर रहे हैं, हेल्दी ब्रेकफास्ट, हेल्दी ब्रेकफास्ट। और पौला ने मुझे बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है, वो गिफ्ट क्या देगी पता है आपको, क्योंकि है वो डॉक्टर, स्किन रिलेटेड बाल रिलेटेड ही ध्यान रखना रखने के लिए बोलेगी, तो वही सब चीज़ें मेरे लिए गिफ्ट आई है। तो इंशाल्लाह चलिए हम कर लेते ब्रेकफास्ट और फिर मस्त जाके बैठते फ्लाइट में। ओके माशाल्लाह पहुंच गए जयपुर एयरपोर्ट, और बाहर वेट कर रहा है ड्राइवर। मैं जाकर आई वॉशरूम, पौला गए वॉशरूम, पहले वो रखवाली कर रहे थे सामान की, अब मैं रखवाली कर रही हूँ। और माशाल्लाह सफ़र बहुत अच्छा गुजरा। ये जो पीछे खड़े हैं ये लोग आए हैं मैसूर से, और वहाँ से देखते हैं मेरे ब्लॉग और मेरी रील्स, तो इन्होंने लिया है मेरे साथ सेल्फी। और माशाल्लाह मेरी फ़्लाइट थी विस्तारा, और उसकी जो एयर होस्टेस थे वो भी मेरे रील्स देखते हैं, तो उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा पूछा कि आंटी आप कुछ एक्स्ट्रा कुछ लोगे, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। बस इंसान को इज्जत ही बहुत ज़्यादा पेट भर देती है, या फिर हर चीज़ से दिल भर देती है, तो वो अल्लाह ने मुझे बहुत दिया है। और आप सबका जो मुझे रिस्पेक्ट देते हैं, तो मैं इंशाल्लाह हमेशा ही सबको रिस्पेक्ट करती हूँ, तो सबका थैंक्स। और चलो अब हम जा रहे हैं टैक्सी में बैठने के लिए, है ना? चल, हमेशा स्टारबक्स की जगह जो होती है वो अमीन की होती है, इस बार पौला ने लिया है, क्योंकि पौला के साथ में सुबह से ये दूसरी कॉफ़ी है मेरी, नहीं तो मैं एक भी पीना मुश्किल है, वो अमीन जिद करके पिलाएगा मुझे। रुको मैं लेकर आता हूँ। और अभी मैं हाँ अभी पौला के साथ में, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है मुझे, माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। क्या बोला पौला आपने, वापस वही बोलो जो बोले थे आप। गरम दूध,
इसीलिए मैं कभी स्टारबक्स की कॉफी पसंद नहीं करती। तो तुमको अमीन को पैसे खर्चा करने को बहुत मजा आता है ना? इट्स ऑलवेज गुड, जनरली अच्छे होते हैं। आई डोंट नो व्हाई ये स्टारबक्स का थोड़ा गरम तो जैसे नाम बड़े दर्शन छोटे रहते हैं, इसीलिए मैं कभी यहाँ पे पीना पसंद नहीं करती। अमीन मुझे पी लो और आपने भी, चलो अभी करते हैं, चलो जैसा भी है जो भी है। इसीलिए मैंने छोटी वाली, बाबा ये देखो इन्होंने इतनी बड़ी ली है। चलो कॉफी भी पी के हो गया और कॉफी बीन्स भी खा लिया मैंने। टैक्सी में पोला तो पहले ही बैठ गए और चल मैं भी अभी बैठ गए। इंशाल्लाह चलते हैं अजमेर की तरफ। चलो भैया कैसा लग रहा? बोला मस्त ना, एकदम दिल खुश हो गया ना? माशाल्लाह पहुंचते पहुंचते हो गया है चाय का टाइम और पोला भी सेम मेरे जैसी है, शायद इसीलिए उनकी मेरी दोस्ती जमती है। ये सेम मेरे जैसा हाल है, घर के चीज़ें लाना और खा के फिर इसको समेट के रखना, तो वही चीज़ पोला कर रही है। और उसी के साथ साथ आई हमारी चाय बिस्किट। और मेरी नियत रहती है हमेशा कि मैं शब में पहुँचूँ और अल्लाह का बहुत करम है मेरे गरीब नवाज का कि वो बस वो टाइम पे बुला लेते। तो अब हम चाय वगैरह पी के फ्रेश होके इंशाल्लाह निकलेंगे शब के लिए। और ये सब अच्छी अच्छी चीज़ें जो है, मेरी नियत रहती है कि मेरे चैनल के ज़रिए आप सब लोगों को शामिल करूँ और अल्लाह पाक वो चीज़ों में भी मुझे कामयाब रखते। तो जजाक अल्लाह। चलिए अब थोड़ा सा चाय वगैरह पी के फिर निकलते और इंशाल्लाह फिर देखते दरगाह पे। मैं भी पहली नज़र देखती हूँ और इंशाल्लाह आपको भी दिखाती हूँ। अभी शब में जाने के लिए हम हो गए तैयार और पोला बहुत अच्छी लग रही है। पोला को ऐसा लग रहा था नहीं अच्छा लगेगा ये ड्रेस, पर बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी दिख रही है, मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। और मैं हमेशा इनको डॉक्टर के रूप में ज़्यादा देखती हूँ, बट आज मुझे बहुत ज़्यादा ही अच्छे लग रहे हैं। तो अभी हम जा रहे हैं शब की दुआ के लिए और इंशाल्लाह व्लॉग यहीं एंड करूँगी, क्योंकि अंदर जाने के बाद ना सिग्नल होता है और ना मुझे वहाँ पर टाइम मिलता है। और जिनके लिए मैं जाती हूँ बस मैं उनके ख्याल में और उनकी खुशियों में ही शामिल रहती हूँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग कल के ब्लॉग में सारी चीज़ें, शब हो, छिट्टी की दुआ हो, छिट्टी हो, तो इंशाल्लाह वो सा और भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं पोला को लेकर जाने वाली हूँ, तो वो सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखेगी। तो फिलहाल बहुत सारा ख्याल रखिए अपना और हमेशा खुश रहिए और जो चीज़ों से आपको अच्छा लगता है उसमें हमेशा शामिल रहा कीजिए, है ना पोला? बिल्कुल, उससे बहुत ज़्यादा आप खुश रहोगे ना तो पूरी दुनिया को, अपने घर वालों को खुश रख सकते हो। तो बस चलिए फिर हम चलते हैं दरगाह। और हमारे हक में तो हम दुआ करते ही करते, लेकिन मैंने हमेशा हर किसी के हक में दुआ किया था, इसीलिए अल्लाह मेरी ज़िंदगी में बहुत अच्छे लोगों को रखा है। और जो मुझसे दूर हो गए तो वो मेरे लायक नहीं थे, इसीलिए मेरे अल्लाह ने उनको दूर कर दिया मुझसे। तो बस ख्याल रखिए, खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।